हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे दिल दिल पाकिस्तान, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023, रशीद इरफान डांस। ये तो अच्छा था। और सबसे मजेदार बात है, अभी हमने वीडियो की है, देखना मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन रिएक्शन में जाएगी, नहीं तो व्लॉगर में जाएगी। तो उसमें जो है ये पाकिस्तानियों को शोएब अख्तर, उसको बड़ी तकलीफ हो रही है कि भैया फ्लैग क्यों उन्होंने लहराया, अफगानिस्तानी टीम ने क्यों लेके वो घूमे, और क्यों वो जो है इस टाइप से जो है हमारे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जान पूछ के चेन्नई में इन्होंने खेली है और पता नहीं क्या क्या उसने। मुझे लगता है ये लोग वैसे ट्वीट कर देते हैं टू बी इन लाइमलाइट, और कुछ नहीं। सोच के करो, तुम सोच के बोलो। कहते हैं कि आईसीसी को कंप्लेंट करो, करना चाहिए। यही बातें इंडियन चैनल में आके बोलो ना, यही चीजें इंडियन चैनल में आके बोलो। वहां पे तो तुम अपना कोई इंडियन चैनल में आके इनको बोलना चाहिए अफगानिस्तान बहुत टफ टीम थी। नहीं, वहां पे तो तुम कुछ और वैसे कुछ और, ऐसे ये है दो मुख लोग जैसे कहते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। सबको नाचना पड़ेगा, वीडियो देख रहे हो तो क्या हुआ, नाचना पड़ेगा। क्या नई म्यूजिक तो शायद डाला होगा, और इंशाल्लाह एक आपको नई टीम नजर आएगी कल चेन्नई। अच्छा, देख ली हमारी नई टीम। इमाम भाई से पूछा था, इमाम भाई पाकिस्तान की टीम छक्के क्यों नहीं मार पाती। इमाम भाई ने बोला, क्योंकि प्रोटीन की कमी है। Maybe we want to eat more proteins and not that much carbs. इमाम भाई इफ्तिकार चाचा से सीखो, बुढ़ापे में भी सादी खिचड़ी खा के छक्के पेले जा रहे हैं। भाईजान, इंसान 60 साल में रिटायरमेंट ले लेता है जॉब से भी, हमने तो 65 साल तक क्रिकेट नहीं छोड़ी। बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, पर इन सालों को अफगानिस्तान से भी हारना है। पाकिस्तान वालों पर क्या है यार ये। कुछ भी खेलता। पाकिस्तान अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, कुछ ना कुछ बहाना दे के बोल दो हमें नहीं खेलना इंडिया में। अरे ऐसा ही बोल दो, भाई हम अपने अंडरवेयर भूल के आ गए पाकिस्तान में, और इंडिया में उतनी छोटी साइज के अंडरवेयर मिल नहीं रही है, हमें पाकिस्तान जाना होगा। जल्दी से लेके आ जाएंगे, पर लेके आना मत, पाकिस्तान में ही रुक जाना और PSL खेलने लगना। अमीज राजा ने भाई ऐसे ही थोड़ी बोल दिया था। अगर इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आई तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप। अमीज राजा को नहीं पता था पाकिस्तान के पास एक ही स्ट्राइक बॉलर है, इफ्तिकार अहमद। दिल दिल पाकिस्तान बजवा दे क्या भाई साहब डीजे से, बोलो तो स्टेडियम में सब मुंह छुपा रहे थे भाई साहब। पाकिस्तान का कोच तो बोलने लगा, मैं तो केनिया का कोच हूँ, मैं नहीं हूँ इनके साथ। रिजवान भाई, और रिजवान भाई अच्छा मुंह छुपाने लगे क्या हार के बाद। मैं यार तुमको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, पाकिस्तान का IQ 200 है, तुम लोग मजाक उड़ाते रहते हो, मानते नहीं हो मेरी बात। इतना शानदार, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग DR सिंधु लिया ना, महेंद्र सिंह धोनी खुद खड़े होकर इनको सैल्यूट किए उस बात पे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल है बाबर भाई, ये 3 स्टंप्स हैं, इसके पास मैंने 3 स्टंप्स और लगा दिए, फिर भी जो बॉल है ना बाबर भाई वो 3 स्टंप्स छोड़ के निकल रही है। ये DRS बाबर भाई LBW के लिए लिया था या फिर वाइड बॉल चेक करने के लिए? मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। कुछ भी नहीं करता। हसन अली भाई ने बहुत कोशिश करी अपनी क्यूटनेस से अफगानिस्तान को रोकने की, पर अफगानिस्तान वाले रुके ही है मुझसे कोई स्मार्ट, बताओ। मुस्कान की चमकान कहीं और। वाह हसन अली भाई, पूरी सरफू भाई की याद दिला दी तुमने तो यार। वैसे हसन अली भाई, आपके पहले तो सेलिब्रेशन बड़े तीखे तीखे रहते थे, आजकल आप फीके फीके कैसे हो गए। रिजवान भाई ने भी पूरी कोशिश करी, पैर दबाए, मालिश करी, जूस पिलाया, पर अफगानिस्तान वाले मानने को ही तैयार नहीं। साला मेरी एक्टिंग मेरे ही सामने कर रहा है, समटाइम इट्स क्रैम्प, समटाइम इट्स एक्टिंग। पाकिस्तान टीम मैच के पहले डिस्कस पता नहीं क्या करती है भाई, जब इतना हग्गू परफॉर्मेंस ही देना रहता है। अभी 2 मैच हमारे चेन्नई में, यहाँ पे बिरयानी अच्छी मिलती है, दबा के खा लो। इसके बाद मैच है कलकत्ता में, वहाँ पे जाके रसगुल्ले के पकोड़े खाएंगे, मतलब तीखे के ऊपर मीठा भी हो जाएगा, मजा आ जाएगा भाईजान। बाबर भाई बटलर के साथ बैठे थे, लोगों को लगा बैटिंग टिप्स ले रहे होंगे, पर बाद में जाके पता चला कि दोनों डिस्कस कर रहे हैं अफगानिस्तान से हारने के बाद करना क्या है। मैं इसको दूंगा। किसको? मैं इसको। तू इसको देगा? दूंगा। तू मतलब इसको मारेगा? मारूंगा। तू इसको मारेगा? मारूंगा। इसको मार, दिखा मुझे, देख ले। अभी तो नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से है, लग रहा है पॉइंट्स टेबल में जाके अंग्रेजों को गले लगा कर ही आएंगे।
हेलो जी, वेरी हम्बल टीम, किसी को नीचा और लोनली बोले तो अकेला फील नहीं होने देते। अफगानिस्तान के कैप्टन ने भी शिल्पा शेट्टी वाला सेलिब्रेशन कर दिया जोश जोश में। जाने मन से तुम लोग पूछते थे ना कि तनय भाई तुमको यार ये क्रिकेट प्लस कॉमेडी वाला आइडिया आया कहां से? पाकिस्तान की टीम को देख के आया था, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की टीम नहीं थी ना ये एक सीरियस स्पोर्ट्स हुआ करता था। जब से पाकिस्तान ने एंट्री लिए ये फनी भी हो गया। कल तुम लोगों ने यार दबा के सब्सक्राइब किया था, तो आज भी ऐसे खेला जारी रखना, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। पाकिस्तान को जितना टाइम पहला विकेट लेने में लगता है ना भाई, इतना तो कछुआ और खरगोश की रेस में खरगोश ने भी टाइम नहीं लगाया था, वो भी एंड में पहुंच ही गया था जैसे तैसे। इनको विकेट्स ही नहीं मिलते। 150 प्लस स्पीड है भाईजान मूवमेंट्स। इससे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। वैसे यार मैंने कल तुम लोगों को बताया था स्टेक के बारे में, जो कि वर्ल्ड की सबसे ट्रस्टेड स्पोर्ट्स वेबसाइट है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर ड्रेक है। वर्ल्ड कप चल रहा है यार, अपनी फेवरेट टीम पर प्रेडिक्ट करो और विन करो अच्छी खासी धनराशि विद स्टेक। हाँ, फर्स्ट डिपॉजिट पर तुमको 200% का बोनस मिल रहा है। कमेंट में मैंने लिंक दिया हुआ, जाके रजिस्टर करना। यहाँ पे तुम लोग लाइव मैच भी इंजॉय कर सकते हो, काफी मजा आने वाला है भाई, वर्ल्ड कप के मजे डबल करो। अगर पाकिस्तान आज अफगानिस्तान को हरा देती उसको अपसेट बोलते। ये कोई अपसेट थोड़ी है, गौतम गंभीर केवल फैक्ट्स पे बातें करते हैं। पाकिस्तान टीम मेकिंग एक्सक्यूजेस बी लाइक, दिल पाकिस्तान नहीं बजाया इसलिए हार गए, बिरयानी ज्यादा खा ली इसलिए हार गए, फैंस टीज कर रहे थे इसलिए हार गए, प्रोटीन की जगह कार्ब्स खा लिए, अगला बहाना अगले मैच में दूंगा। ये यार पाकिस्तान सच में कर रहा है इस बार, पता नहीं क्या इतने बहाने। 2 करोड़ वॉच्ड अ नॉन इंडिया गेम इन हॉटस्टार ऑन मंडे। हॉटस्टार भी सोचता होगा पाकिस्तान हारे तो भलाई, बिजनेस, दिस इज बिजनेस। मिकी आर्थर टू पाकिस्तानी प्लेयर्स, सिर्फ बिरयानी खाने आए हो क्या, भिकमंगो फील्डिंग भी कर रहा। दिल पाकिस्तान भजवा लो। बाबर भाई रिव्यू सिस्टम, वेरी नाइस रिव्यू सिस्टम बाबर भाई, ये वाइड बॉल है गुड डिसीजन। रोहित शर्मा पहट के मिस राशिद खान, पाकिस्तान छटके देते हुए पाकिस्तान को, कमजोर सैनिकों को मार रहे हो निर्लज्ज, शेम ऑन यू अफगानिस्तान, कोई बड़ी टीम को है पर इन्होंने तो इंग्लैंड को भी हरा रखा है भाई, अफगानिस्तान तो नहीं जीत जाएगी वर्ल्ड कप। यार ये लोग बांग्लादेश से फालतू में हार गए यार अफगानिस्तान, मेरे को तो उसी दिन बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि अफगानिस्तान से मेरे को अच्छी खासी उम्मीद थी, बांग्लादेश से नहीं हारना चाहिए था। मामूलक प्रोटीन की बड़ी दिक्कत है इमाम भाई, प्रोटीन का एक डब्बा पड़ा है वो ले जाओ। मास्टरमाइंड चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच करवाकर पाकिस्तान के ये तो भाई पहले से ही समझ में आ रहा था कि चेन्नई में बहुत स्पिनिंग ट्रैक है, उसमें अफगानिस्तान के सामने को रख दिया। भाई ऐसी करो पुरुषोत्तम भाई की करियर संकट में आ जाए, रोहित शर्मा, रोहित भाई वो सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा इंसान। पाकिस्तान लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग इंडिया अगेन इन द फाइनल, वो हो गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, हमसे हार गए भाई, नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान जैसी कमजोर टीमों से मैच मत रख। अफगानिस्तान इज लोस्टिंग अफगानिस्तान आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान, 10th पे से सीधे 6th पे, और अभी तो भाई और ऊपर जाएगी, नेक्स्ट मैच इनका नीदरलैंड से। 23 अक्टूबर 2022 23 अक्टूबर को तो पाकिस्तान वालों मैच ही मत खेला करो, बोल दिया करो हमको नहीं खेलना, आते ही नहीं हमको तो क्रिकेट ही नहीं आता। पाकिस्तान इफ मिस फील्डिंग एंड चोकिंग वॉज अ स्पोर्ट, सारे मेडल पाकिस्तान को जाते अगर मिस फील्डिंग का एक स्पोर्ट हो। मोहम्मद रिजवान, ओ भाई आज फिर प्रोटीन नहीं मिला, पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी नहीं है, पौष्टिक खाने की कमी है। बस यार आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी से तबाही मचाते रहो, सबने बुरे करते रहो, स्पाइक को मत भूल जाना। कमाल था यार जैसे इनको रोज किया। सबसे मजेदार वो था कि उन्होंने दिखाई पाकिस्तान की टीम बैठी हुई और पाकिस्तान से फैन पूछ रहे थे से भारत माता के, ध्यान से देखे तो वो लोग जो इनडायरेक्टली बोल रहे थे प्रोटीन नहीं मिल रहा, मतलब उन्होंने पहले प्रोटीन और बीफ को लिंक किया था, तो इनडायरेक्टली उसकी बात कर रहे हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ, मतलब मेस्ड अप लोग हैं जो इस वक्त भी ये बकवास कर रहे हैं कि प्रोटीन नहीं मिल रहा। वही तो, इनको इतनी अक्ल नहीं है, प्रोटीन इतनी सारी चीजों में होता है, तुम दालें खा लो, प्रोटीन में प्रोटीन दालें बहुत होती हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं वो उनके या प्रोटीन तो, मतलब जो होता है आप कहते हैं कि ये प्लांट प्रोटीन भी बहुत मशहूर हो रहा है यहाँ पर। नहीं ये था बहुत, ये तो इनका तो दिमाग खराब है, इनको प्रोटीन की कमी हो रही है, इनको जज्बे की कमी हो रही है, इनको दिल पाकिस्तान की कमी हो रही है, सिर्फ मेहनत और मेहनत जो एक्चुअल चीजें चाहिए होती है जीत के लिए, मेहनत लगन वो तो कुछ है नहीं इनके पास, टैलेंट
और चले दूसरी बातें करने। जब ऐसी बातें करेंगे तो डूबेंगे तो सही। और पाकिस्तान भी देख लो, वो कह रही है कि भैया क्या छोटी मोटी टीमों से हमारे को लड़ावा आ रहे हो, हमें नहीं ऐसी छोटी मोटी पाकिस्तान टीम से खेलना। बिल्कुल ही होगा ये है फ्यूचर। तो चलो फ्रेंड्स, रात लेकिन आप मजे मजे मजेदार कमेंट ताकि मुझे भी मजा आए पढ़ने में। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।